गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग जेनेटिक का नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक। जिसका आज का टॉपिक का नाम है हमारे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। ऐसे जीन, जैसे आप लोग सभी जानते हो कि जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर, ठीक है, तो ऐसे जीन, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और वो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन को पास आउट होते हैं, तो ऐसे जिनको सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं और ऐसे कैरेक्टर को जो पास आउट होते हैं उनको सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। और हमारा टॉपिक भी है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। जैसा कि आप यह भी जानते हैं और हम बताए भी हैं कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, जिसमें 22 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जो वन पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है, जैसे फीमेल में एक्स एक्स हो जाता है और मेल में एक्स वाई हो जाता है, तो यही जो कैरेक्टर हैं या कह सकते हैं क्रोमोसोम में, यही सिक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आया सेक्स डिटरमिनेशन आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेक्स लिंक कैरेक्टर, ठीक है, तो द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म कंट्रोल्ड बाय द जीन विच जीन प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम। वही बात हुई कि ऐसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हों, ठीक है, उसी की बात कर रहा है कि द कैरेक्टर, वह कैरेक्टर जो सेक्स लिंक पे प्रेजेंट हो और जो उसी और वो जीन जो है कहाँ प्रेजेंट हो, उस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, ठीक है। विच क्रोमोसोम डिटरमाइन द ऑर्गेनिज्म सेक्स, और यही जो क्रोमोसोम है वही डिटरमाइन करता है सेक्स को, ठीक है। अभी हम डिटेल से भी बताएंगे इसके बारे में, ठीक। जैसा कि हम बता भी चुके हैं कि कुछ ऐसे जैसे जीन होते हैं जो वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक्स क्रोमोसोम पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और वो जब इनहेरिटेंस होते हैं वो क्या होता है कि वही मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पहले मैंने बताया है और आगे भी अभी बताएंगे, ठीक है। तो विच क्रोमोसोम डिटरमाइन द ऑर्गेनिज्म सेक्स, ईच ऑर्गेनिज्म हैज अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर वो फीमेल है तो एक्सएक्स होता है, यदि वो मेल है तो एक्स वाई होता है, और जो ऑटोसोम्स होते हैं वो दोनों मेल और फीमेल में सेक्स में सेम होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे कि ये जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रॉस का मतलब नाम से ही, क्रॉस मतलब अपोजिट, ठीक है, क्रॉस का मतलब ही अपोजिट होता है। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल और मेल टू देयर अपोजिट सेक्स। जब भी कैरेक्टर का ट्रांसफर अपोजिट सेक्स में होता है, जैसे फादर का कैरेक्टर है तो वो कहाँ चला जाए, डॉटर में चला जाए, ठीक है, और फिर डॉटर से वो कैरेक्टर कहाँ चला जाए, सन में चला जाए, ठीक। तो अपोजिट सेक्स को जाता है तो उसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि मेरे जो कैरेक्टर है वो मेरे सन को जाए, ना कि मेरे डॉटर को जाए, ठीक है, और सन से वो जो कैरेक्टर सन के पास है वो उसके सन को ना जाके उसके डॉटर को जाए, तो इसी को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब जैसे मेरे पास जो कैरेक्टर होंगे मेरे फादर के आए होंगे अकॉर्डिंग टू क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है, तो मेरे फादर के कैरेक्टर मेरे पास और मेरे जो अंदर के कैरेक्टर है वो हमारे सन के पास और जो मेरे सन के पास है वो उसके डॉटर के पास, तो डैट इज़ अ क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो वही कह रहे कि अपोजिट है, अगर
जैसे फादर हैं, अब जैसे मेरी मदर है, तो मेरी मदर का जो कैरेक्टर है वो मेरे सन मेरे ब्रदर को जाए, और ब्रदर से उसकी डॉटर को जाए, उसकी डॉटर से उसके सन को जाए, ठीक है। तो ये क्रिस क्रॉस हो गया, ठीक है। जो क्रिस क्रॉस होता है वो भी देखिएगा तो अपोजिट है, तो यहाँ पे फादर टू कहाँ जाए, डॉटर को जाए, आप लोग लिख लीजिएगा, और डॉटर से ग्रैंड सन को जाए, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, डाइजेनिक और डाइगाइनिक और डाइएंड्रिक, दो टाइप का होता है, ठीक है। इसी तरह नॉन क्रिस क्रॉस इंटेंडेंट बिल्कुल इसका अपोजिट ही है, जिसमें क्रिस क्रॉस ना हो, ठीक। इसमें अगर मदर के जो कैरेक्टर या जीन है वो आगे की जनरेशन में डॉटर को पास हो, फिर डॉटर से उसके डॉटर को पास हो, सन को पास नहीं होंगे, इसी को नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मेल फीमेल एंड मेल टू सेम सेक्स, उसके सेम सेक्स को, जैसे कि मदर से डॉटर को जाए और डॉटर से ग्रैंड फीमेल या ग्रैंड डॉटर को जाए, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, होलोजेनिक और होलोएंड्रिक, ठीक है, होलोजेनिक एंड होलोएंड्रिक। आगे यहाँ पे हम आ जाते हैं, पहले क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल से बताते हैं कि डाइजेनिक, मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, कौन, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस टू टाइप्स के होते हैं, और उसमें क्या क्या होते हैं वो हम बताते हैं, डाइजेनिक और डाइएंड्रिक। डाइजेनिक का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मेल टू फीमेल, यानी कि फादर फादर टू डॉटर, डॉटर, ठीक है, और फिर डॉटर से कहाँ जाएगी, ग्रैंड सन को जाएगी, ग्रैंड सन, ठीक। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेनिक, ठीक है, कि मेल से कहाँ जा रहा है, फीमेल को जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइएंड्रिक, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल टू मेल, यानी कि मदर से, मदर टू सन, और फिर सन से ग्रैंड सन को जाता है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है होलोजेनिक एंड होलोएंड्रिक। होलोजेनिक एंड होलोएंड्रिक इज द टाइप ऑफ नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें क्रिस क्रॉस नहीं हुआ। तो यहाँ मैंने लिखा है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, ठीक है, फीमेल टू फीमेल, यानी कि मदर टू किसको जाएगी, डॉटर को, और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मेल टू मेल, यानी कि फादर टू सन, और फिर सन से कहाँ जाएगी, ग्रैंड सन को जाएगी, और यहाँ पे ग्रैंड डॉटर को जाएगी, ठीक है। मैंने एक बताया था ये क्वेश्चन होलोएंड्रिक वेरी एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक चीज़ समझा दे रहे हैं आपको, समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये वाई क्रोमोसोम है। आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम क्या होता है, हमेशा एक्स से छोटा होता है, ये हमेशा छोटा और हल्का होता है, ठीक है। मैं होलोएंड्रिक के बारे में इसलिए बोली कि होलोएंड्रिक के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे देख रही हूँ मैं, मैंने बताया था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, पेयरिंग होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब गैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो होमोलॉगस नहीं है, ठीक, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर इस पे होते हैं, ठीक है, जो कि केवल क्या होते हैं, वो केवल वाई क्रोमोसोम पे ही होते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो ओनली वाई क्रोमोसोम पे होते हैं उनको हम, उस जीन को, ठीक है, हम लोग होलोएंड्रिक जीन कहते हैं, क्या कहते हैं, होलोएंड्रिक जीन कहते हैं। ऐसे जीन विच जीन प्रेजेंट ओनली वाई क्रोमोसोम, ठीक है, इज कॉल्ड होलोएंड्रिक जीन, ठीक है। और यही कैरेक्टर जो होता है, जैसे इसमें एक कैरेक्टर आपको टेस्ट डिटरमिनेशन वाला होता है, ठीक है, जो टेस्टिस को डिटरमाइन करता है, ठीक है, जो कि
फीमेल में नहीं हो सकता, वो केवल मेल से मेल को पास आउट होता है, ठीक है, तो उसी को होलैंड्रिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो केवल सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं और ये सेम सेक्स को भी पास आउट हो सकते हैं और डिफरेंट सेक्स को भी पास होते हैं। जब वो डिफरेंट सेक्स को पास आउट होते हैं तो उनको क्रिस क्रॉस कहते हैं, जब सेम सेक्स को पास आउट होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो है सेक्स लिंक कैरेक्टर का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो सेक्स डिटर्मिनेशन, कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करिए और इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के वीडियोस मैं डालूँगी, उसको भी पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू।